इस वीडियो में हम लोग जानेंगे चुनाव आयोग खबरों में क्यों है। चुनाव आयोग के बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे खबरों में क्यों है चुनाव आयोग। इसके बाद जानेंगे चुनाव आयोग के बारे में, फिर जानेंगे इसकी संरचना कैसी है, और अंत में जानेंगे जो चुनाव आयुक्त बनते हैं उनका कार्यकाल कितने दिनों तक होता है। खबरों में क्यों है चुनाव आयोग। राष्ट्रपति ने हाल ही में चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा को अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है। पदस्थ मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा का कार्यकाल 12 अप्रैल को समाप्त हो गया। सुशील चंद्रा 24वें चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किए। चुनाव आयोग के बारे में। चुनाव आयोग एक अस्थायी और एक स्वतंत्र निकाय है जिसकी स्थापना भारतीय संविधान द्वारा की गई है। यह प्रत्यक्ष तौर पर देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए जिम्मेदार है। संविधान का अनुच्छेद 324 कहता है कि संसद राज्य विधायिका, भारत के राष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति के चुनावों की निगरानी, निर्देश और नियंत्रण का कार्य चुनाव आयोग में निहित होगा। चुनाव आयोग की संरचना कैसी है। चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और इतनी ही संख्या में अन्य चुनाव आयुक्त होंगे जिसका निर्धारण राष्ट्रपति समय समय पर करेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। जब कोई अन्य चुनाव आयुक्त इस तरह से नियुक्त किया जाता है तो मुख्य चुनाव आयुक्त चुनाव आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। राष्ट्रपति चुनाव आयोग के साथ सलाह लेने के बाद ऐसे क्षेत्रीय आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है जो उसके अनुसार चुनाव आयोग की सलाह के लिए जरूरी है। चुनाव आयुक्तों की कार्यकाल कितने दिनों तक होता है। उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है अथवा 65 वर्ष तक की उम्र होने तक जो भी पहले हो। उन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान ही दर्जा और समान वेतन और भत्ते प्राप्त होते हैं। सभी चुनाव आयुक्तों के आयोगों के निर्णय लेने की प्रक्रिया में समान अधिकार होते हैं। इस तरह इस वीडियो में हमने जाना चुनाव आयुक्त के कार्यकाल, उसकी संरचना, इसके बारे में और संविधान में चुनाव आयोग के बारे में क्या लिखा है और कौन सा आर्टिकल में है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।